वीडियो स्किप मत करना। अगर आप कम बजट में और कॉमर्शियल जिम सेटअप खोलना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। मैं वसीम सैफी आपका स्वागत करता हूँ 24 फिनिक्स में फिर से। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने कुछ हैमर स्ट्रेंथ की मशीनों के बारे में जो हमारी ऑलमोस्ट हर सेटअप में डिमांड में रहती है, सबसे ज्यादा डिमांड में और ट्रेनिंग में है। तो कुछ मशीनों का कुछ ओवरव्यू मैं दे देता हूँ, कुछ जो क्वालिटी हम बना रहे हैं, जो मैकेनिज्म हम जिस मैकेनिज्म पे हैमर स्ट्रेंथ की मशीनें बनाते हैं, तो वो भी मैं दिखाने वाला हूँ वीडियो में। आपको वीडियो देख के ही फील हो जाएगा कि मशीन का किस तरीके से मसल्स को टारगेट करती है। तो क्लोज व्यू मैं दे देता हूँ एक बार। फर्स्ट मशीन हमारी होने वाली है एब्स हैमर। एब्स हैमर का आप मूवमेंट देखिएगा। एब्स हैमर में हम तीन पोजिशन में मसल्स को टारगेट कर सकते हैं, लेफ्ट राइट और मिडल। एडजस्टिंग हमने यहाँ दी हुई है, तो देखिएगा थोड़ा एडजस्टिंग करके इस तरीके से आप लेफ्ट मसल्स को टारगेट कर सकते हैं या मिडल और यहाँ राइट में पोजीशन में करके और टारगेट कर सकते हैं। ये मशीन जो हम बनाते हैं, मतलब आप कोई छोटी हाइट का बंदा है, 5 फीट का है, 5.5 फीट का है या 6 फीट का हाइट का बंदा है, तो वो भी इसको बहुत आसानी से यूज़ कर सकता है क्योंकि हमने इसके अंदर भी एडजस्टिंग दी हुई है। अपनी हाइट के अकॉर्डिंग आप ये वाला फुटरेस्ट जो होता है ये भी आगे पीछे करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं मशीन को। नेक्स्ट मशीन हमारी होने वाली है रोइंग हैमर। रोइंग हैमर का मूवमेंट देखिएगा, थोड़ा चला के दिखाइएगा। और ये रोइंग हैमर वाइड ग्रिप और क्लोज ग्रिप दोनों से आप अपनी बैक को टारगेट कर सकते हैं, परफेक्टली मसल्स पे टारगेट होता है। ये वाइड ग्रिप है और ये क्लोज ग्रिप अंदर आती है। नेक्स्ट मशीन हमारी होने वाली है डुअल लेटरलेज हैमर, और ये सिटिंग और स्टैंडिंग दोनों ही पोजीशन पर आप इस मशीन को यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी शोल्डर और डेल्टोइड मसल्स दोनों को टारगेट कर सकती है, प्लस आप एक ही टाइम में पैरेलली इसको सिटिंग और स्टैंडिंग दोनों पोजीशन पर यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ और बता देता हूँ, इसके अंदर एडजस्टिंग भी आती है, एडजस्ट करके दिखाइएगा। मतलब अपनी हाइट के अकॉर्डिंग आप इसको जहाँ भी पोस्चर आपका ठीक बैठता है वहाँ इसको करके यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये वाला जो पोर्शन है आपके शोल्डर के बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए, तब भी आपके शोल्डर पे परफेक्टली इसका मूवमेंट आएगा। तो मैं एक बार यूज़ करके दोनों तरफ से दिखा, स्टैंडिंग पोजीशन पे देखिएगा और सिटिंग पोजीशन पे देखिएगा, मतलब पैरेलली दोनों बंदे इसको एक ही टाइम में यूज़ कर सकते हैं मशीन को। नेक्स्ट मशीन की हम बात करें तो वो होने वाली है मल्टीप्रेस हैमर। ये शोल्डर कम चेस्ट प्रेस भी बोलते हैं। इस पे एक बंदा थ्री पोजीशंस पे वर्कआउट कर सकता है, जैसे ये फ्लैट पोजीशन पे वर्कआउट कर, इंक्लाइन पोजीशन के लिए आपको मशीन को एडजस्ट करना होगा। और ये जो हमने एडजस्टिंग इसके अंदर प्रोवाइड की है बहुत ही यूनिकली, इसमें लीनियर रोड का इस्तेमाल किया है। एडजस्ट करके दिखाइएगा, ये देखिए कितना ईजिली आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये इंक्लाइन पोजिशन पर आ गया, वर्कआउट करके दिखाइएगा। तो आपने एडजस्ट किया पोजिशन आपने ये परफेक्ट करके और फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। देखिएगा इंक्लाइन पोजीशन पे किस तरीके से एकदम परफेक्ट टारगेट मसल्स पे होता है। शोल्डर पोजीशन के लिए भी आपको सेम एडजस्टिंग करनी होगी, नीचे सीट एडजस्ट करनी होगी, ऊपर हैंडल की पोजीशन अपनी परफेक्ट पोजीशन पे लाना होगा, तब आप शोल्डर की एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं। प्लस इसके अंदर जो हमने वेट लोड करने का मैकेनिज्म इसके अंदर चेंज किया है, मैंने पिछली वीडियो में भी कवर किया था, पहले यहाँ करते थे लेकिन अब यहाँ पे हमने दो टायर रोड लगा के वेट आप यहां से लोड कर सकते हैं। तो गाइज ये वीडियो हमने बनाई थी मशीनों का थोड़ा सा लुक देने के लिए। अगर मशीन आप खुद से चला के फील करना चाहते हैं, क्वालिटी देखना चाह रहे हैं, बायो मैकेनिक्स देखना चाह रहे हैं, कलर क्वालिटी देखना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ फैक्ट्री विजिट कीजिए। एड्रेस हमने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, प्लस स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं आप इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।